हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो जीरोज और जो सिंगुलरिटी वाला लेक्चर मैं बताने वाला हूँ आपको, एक तो ये लेक्चर और एक इससे अगला लेक्चर जो होगा सिंगुलरिटी वाला, ये सब डेफिनेशन बेस्ड है और इससे आपको दो तीन ऑब्जेक्टिव जरूर मिलेंगे। तो उसका कंसेप्ट आपको अच्छे से सीखना है कि कैसे जीरोज फाइंड कर सकते हैं, कैसे सिंगुलर पॉइंट फाइंड करते हैं और कैसे उनका ऑर्डर वगैरह हम चेक करते हैं, ठीक है। तो जीरोज ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, जिन पॉइंटों के लिए फंक्शन हमारा जीरो हो जाता है वो हमारी जेड की वैल्यूज जीरोज कहलाती है उस फंक्शन के लिए। द वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बिकम्स जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ एफ जेड, वही जीरोज कहलाती है एफ जेड की, ठीक है। मतलब जीरोज के लिए आपको क्या करना है, एफ जेड को जीरो पुट करना है, जेड की जो वैल्यू आएगी वही हमारी एनालिटिक फंक्शन की जीरोज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट है। नोट नंबर वन है कि अगर एफ जेड हमारा एन इक्वल टू जीरो से एम ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन है और इसमें ए जीरो ए वन ए टू ए एम माइनस वन इन सब की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, लेकिन ए एम की वैल्यू नॉन जीरो हो, तो एफ जेड हमारा यहाँ पर बनेगा ए एम जेड माइनस जेड नोट की पावर एम, जेड माइनस जेड नोट की पावर एम, है ना। यदि आप इसमें जीरोज फाइंड करना चाहते हैं तो एफ जेड को जीरो पुट करना पड़ेगा फोर जीरोज, और एफ जेड को जीरो पुट करने पर ए एम तो जीरो नहीं है तो जेड माइनस जेड नोट की पावर एम जीरो हो जाएगी और यहाँ से आपको जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट मिलेगा। और चूंकि इसकी पावर एम है, जेड माइनस जेड नोट की पावर कितनी है, एम है, तो ये जो जेड इक्वल टू जेड नोट जीरो होगी ये एम ऑर्डर की हमारी जीरोज कहलाएगी, ठीक है। ये कितने ऑर्डर की जीरो होगी, ये हमारी एम ऑर्डर की जीरो कहलाएगी। और अगर आपको जीरो फाइंड करनी है किसी फंक्शन के लिए, नथिंग यू हैव टू डू, केवल जो उसका नोमिनेटर पार्ट है, नोमिनेटर पार्ट को आप जीरो के इक्वल रख देंगे, है ना। टू ऑब्टेन जीरो ऑफ एफ जेड पुट नोमिनेटर ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। जीरो को फाइंड करने के लिए आप एफ जेड के जो नोमिनेटर पार्ट होगा उसको जीरो रख देंगे, उसी से आपको जीरो मिल जाएगी। द जीरो ऑफ ऑर्डर वन, अगर एक ऑर्डर की जीरो है तो वो हमारी सिंपल जीरो कहलाती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर कराता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन जेड माइनस टू की पावर फोर अपॉन जेड, इसकी जीरोज मुझे फाइंड करनी है। और आपको पता है फोर फोर जीरोज ऑफ एफ जेड, यदि आपको एफ जेड की जीरोज फाइंड करनी है तो आपको पुट करना पड़ेगा एफ जेड को जीरो के इक्वल, और एफ जेड को जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो जेड माइनस वन जेड माइनस टू की पावर फोर अपॉन जेड इक्वल टू जीरो, इससे आपको मिलेगा जेड माइनस वन जेड माइनस टू की पावर फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो फैक्टर मिलेंगे, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो और यहाँ से आपको जेड इक्वल टू टू मिले, जेड माइनस टू इक्वल टू जेड माइनस टू की पावर फोर इक्वल टू जीरो। चूँकि यहाँ पर जो आपका पहला फैक्टर आया है जेड इक्वल टू वन उसकी पावर वन है, ठीक है, तो ये हमारी सिंपल जीरो या ऑर्डर वन की जीरो कहलाएगी। हैंस जेड इक्वल टू वन और यहाँ से जेड इक्वल टू टू आएगा, जेड इक्वल टू वन इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर वन, ये हमारी एक ऑर्डर की जीरो कहलाएगी। सिंपल जीरो भी इसको बोल सकते हैं फंक्शन के लिए, ठीक है, इसको सिंपल जीरो भी कह सकते हैं। फिर दूसरा आपका होता है हमारा यहाँ पर जेड इक्वल टू टू, इसकी पावर फैक्टर की देखें तो पावर फोर है, तो यहाँ पर जो जेड इक्वल टू टू जीरो हमें मिलेगी इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर फोर, ये चार ऑर्डर की हमारी जीरो हो जाएगी। तो ऑर्डर का मतलब है जितनी उस फैक्टर की पावर है उतना ही उसका जीरो का ऑर्डर होगा। और नथिंग यू हैव टू डू, केवल जो फंक्शन है उसको जीरो रखना है, और जो या आप कह लो न्यूमिनेटर को जीरो रखना है तो न्यूमिनेटर को जीरो रखने पर ही आपको फंक्शन की जीरोज मिल जाएगी। इसका यूज होगा आगे तो उसको आप समझ लेना, जो मैंने आपको बताया जीरोज क्या होती है, क्योंकि जीरोज का आगे सिंगुलरिटी में यूज करेंगे, है ना। हम सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी के टाइप्स अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा और उसका जीरोज से क्या कनेक्शन होता है, ठीक है, उसमें पोल्स बताऊंगा, पोल्स का क्या कनेक्शन होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।